दिस टॉपिक इज अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट जैसे आपको पता है मोस्टली बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन है और डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम की डिवाइसेस हैं जो कि हम वाइडली यूज करते हैं, उनके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट यूज होता है. ऑल्टरनेटिंग मीन्स कि करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज, और इसको कॉमनली हम साइनोसाइडल टाइप की करंट भी कहते हैं. साइनोसाइडल करंट इसमें एक साइन वेव की फॉर्म बनती है और यूजली आप ये देखेंगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ये आपका साइन जो है, ये साइनोसाइडल साइन आपको यूजली विजिबल होता है फॉर डिफरेंट सर्किट्स के जिसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट यूज कर रहे हैं. अब ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट में साइनोसाइडल विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज करता है और इन साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में, और ये टाइम डिपेंडेंट है यानी एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल बी डिफरेंट. नाउ लेट्स वी स्टडी द ऑल्टरनेटिंग करंट. करंट प्रोड्यूस the currents which produce EMF that vary with time in some different ways are applied to circuits containing individual or combined elements of resistors and inductors and capacitors. ab koi bhi circuit hai usme different types of elements hai. ab wo elements kaun se hote hain? resistors ho sakte hain, capacitor ho sakte hain aur inductors hote hain. un different types of individual element ki combined form एक नेटवर्क, एक सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लाई कर रहा है, उसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें डिफरेंट वेज हैं कि हम वो अप्लाई करें उन सर्किट्स के ऊपर जिनके अंदर ये तमाम एलिमेंट्स लाई करते हैं, और वो जो करंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द ईएमएफ इट इज साइनोसाइडल टाइप और द ऑल्टरनेटिंग जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है. Now let's consider an example कि हम first of all ये consider करते हैं कि a single loop जिसमें एक resistor और capacitor lie करता है एक circuit के अंदर, और ये इसको apply करते हैं हम EMF. अब जब EMF उसको apply करेंगे, अब ये RC circuit है, ये single circuit, LR circuit भी हो सकता है, ये inductor और resistance उसमें lie कर रही है. तीन एलिमेंट्स है, सिंगल लूप होगा तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स होंगे, अगर मल्टी लूप होगा तो मल्टी लूप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स उसमें लाए करेंगे. अगर हम कंसीडर करते हैं फॉर द एलआर सर्किट, एलआर सर्किट जो कि डिस्कस किया है उसका बिहेवियर और जो बिहेवियर ऑफ एलसी सर्किट विद नो सोर्स ऑफ ई एम एफ एंड बिहेवियर ऑफ आर एल सी सर्किट टू साइनोसाइडल ईएमएफ एट और नियर रेजोनेंस. अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल लूप में और मल्टी लूप्स में जिसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप्लाई किए हुए उसमें रिलेशन क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंसिडर करते हैं एक कोई भी आपका सिंगल लूप का सर्किट है जिसमें इंडक्टर या कैपेसिटर हमने अप्लाई किया हुआ है, अगर इंडक्टर एंड कैपेसिटर उसके अंदर अप्लाई किया हुआ है तो इंडक्टर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें सेपरेटली अगर हम देखें तो रेजिस्टर ऐसा एलिमेंट है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट में कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी उसमें चेंज नहीं आता, जो वोल्टेज है और जो करंट है बोथ रिमेन्स इन सेम फेज. सो हम ये कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर कोई चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट नहीं है, नो चेंज इन फेज. वाइल अगर हम कंसीडर करें फॉर द इंडक्टर एलिमेंट, इंडक्टर एलिमेंट में वोल्टेज और करंट दे आर नॉट इन फेज. अब वोल्टेज और करंट जब इन नॉट हम कंसीडर करते हैं कि वो इन फेज नहीं है तो इसमें वोल्टेज जो है जब आप साइनोसाइडल वेव यानी अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं इंडक्टर को, और आपको पता है इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करता है, जबकि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
एनर्जी स्टोर करता है। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस भी लाई करता है। और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज नहीं होते। इसका मतलब है करंट जो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द ईएमएफ। अगर वो फेज इसमें चेंज ऑफ फेज है दोनों के केस में, अब दोनों के केस में चेंज ऑफ फेज भी डिफरेंट होता है। अब इंडक्टर के केस के अंदर इंडक्टर में जो करंट है इट लैग्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 90 डिग्री, वाइल फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स द, या हम कंसीडर करेंगे करंट लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 90 डिग्री। यानी कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री विद द वोल्टेज, और इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग करता है बाय 90 डिग्री विद द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के हो गए। अब हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी आपका सिंगल लूप का सर्किट है। अब ये एक लूप बेसिक डायग्राम बनाई हुई है प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स जो आप पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स के अंदर हम एक लूप कंसीडर करते थे किसी कंडक्टिंग वायर का, और उसको हमने एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ बी, उसके अंदर प्लेस कर दिया। अब ये जो लूप है इसको रोटेट करवाएंगे। अब ये जब रोटेट करवाएंगे तो इसमें से क्या होगा, इसके जो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा रोटेशन की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम रिजल्ट्स इन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। सो अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी मैग्नेटिक लाइन्स हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक लाइन्स में आपने जब ये रोटेट करवाया, रोटेट करवाने से इस लूप में ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा इट विल इंड्यूस करंट, और करंट जो है वो इसके अंदर हमने प्रोड्यूस किया ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिक ये फिनोमेना था, बाय यूजिंग दिस फिनोमेना यू कैन जनरेट द ईएमएफ। और इसके कंसिडर करते हैं लूप के रिजल्ट में हमने डिराइव किया था जो रिलेशन, द रिलेशन वॉज इंड्यूस, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था दैट वॉज इक्वल टू द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एंड साइन ओमेगा टी। इट इंडिकेट्स कि आपका जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, वोल्टेज जो हुई है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग टाइम, क्योंकि इसमें ओमेगा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी को, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फ्रिक्वेंसी, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2 पाई वी, वी इज द लीनियर फ्रिक्वेंसी। और इसमें क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ये फ्रिक्वेंसी है ये चेंज होता है। सो वन पॉसिबल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंडिकेटेड इन दिस फिगर। ये वाली जो फिगर आपके सामने है इसमें ये इंडिकेट किया कि अगर आपने अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस करना है, सो यू कैन प्रोड्यूस दैट अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ करंट कि आप एक कंडक्टिंग वायर लें और उसका एक लूप क्रिएट करें, और उस लूप को अटैच करें यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स या स्प्लिट रिंग्स के साथ आप अटैच करते हैं, जो कि कार्बन बुशेस के साथ अटैच किया ताकि जो भी करंट इसमें से जनरेट हो वो एज एन आउटपुट ट्रांसफर हो सके, डिफरेंट सर्किट्स में यूटिलाइज हो सके। तो इस लूप को में जब आप रोटेट करते हैं बाय सम मैकेनिकल मींस, आप उसको रोटेट करते हैं तो उसमें से चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस, आपकी डायरेक्शन जिस तरह से लूप की चेंज होगी तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फ्लक्स जो है उसमें चेंज होगा। अब वो जब चेंज होगा तो इस चेंज की वजह से इस कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और करंट इसमें से फ्लो करेगा जो बाय दीज बुशेस अटैच ओवर हियर, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट लूप। सो दिस एज द लूप रोटेट्स इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ साइनोसाइडल
EMF is induced according to Faraday's law, and this was according to the Faraday's law of induction, which उसने उसके base पे हमने AC generator बनाया. AC generator में कि हम अगर alternating type of current produce करना चाहते हैं, तो Faraday's के law में था कि rate of change of flux per unit time जो है, it will induce an EMF. And in rate of change of EMF will induce a current. Now, in this example of AC generator, we consider a complex type of version which we use. The complex type of version क्या होता है कि instead of one loop, number of loops attach कर दिए जाते हैं और इन number of loops को use किया जाता है to produce high voltage, high alternating voltage that can be utilized in many applications. और इसमें ये symbol of any, अगर कहीं भी alternating EMF use कर रही है तो ये symbol आपको नजर आएगा. तो इससे आप determine कर सकते हैं कि आपका DC type का नहीं, alternating type का current जिस पे सब flow कर रहा है. अब यहाँ पे एक single loop consider किया हुआ, एक single loop है जिसके अंदर एक resistor, एक inductor, एक capacitor attach है. ठीक है, अब रेजिस्टर, इंडक्टर इन तीनों एलिमेंट्स है और यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स या अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अटैच किया गया. अब ये अल्टरनेटिंग सोर्स और ईएमएफ जो है हम ये कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये आपको शो हो, ये इस लूप को देखें, इस लूप में ये देखें कि आपके पास रेजिस्टर में से भी अब करंट जो है, अगर कंसिडर करते हैं, I इज द करंट विच इज जनरेटेड बाय ड्यू टू दिस EMF E battery. अब इसमें से करंट I जनरेट हो रहा है, I फ्लो करेगा इस रेजिस्टर में से भी, वही करंट फ्लो करेगा इस इंडक्टर में से भी और कैपेसिटर में, क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ऑल आर इन सीरीज. इफ दे आर इन सीरीज देन सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो फ्रॉम दे. अगर ये सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो करेगा तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके अबाउट क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा. अब अगर हम कंसीडर करते हैं वोल्टेज के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू वी आर से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस. सो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर. नाउ फॉर द इंडक्टर, इंडक्टर के केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको अगर हम डिनोट करते हैं बाय वी एल, फॉर वी एल हमने डिनोट किया फॉर द इंडक्टर, दैट इज इक्वल टू एल, एल होगा और एल इज फॉर द इंडक्टेंस एंड डी आई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इट विल प्रोड्यूस अ पोटेंशियल ड्रॉप. जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा इसमें आपकी वो प्रोड्यूस होगा. एंड फॉर द कैपेसिटर, फॉर द कैपेसिटर केस Vc is equal to the reactance of the capacitor. C इसमें consider करते हैं, इसमें आता है आपका Q और C की form में आता है, तो Q और C को हम as an integration भी consider करते हैं कि आपकी I जो है वो dQ by dt, rate of change of charge per unit time के form में consider किया जाता है. तो इसमें हम एज ए इंटीग्रेशन भी कंसीडर करेंगे, दैट इज के क्यू ओवर सी इज द रिलेशन. तो इसको जो चार्ज है आपका क्यू, इट इज एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, करंट आई के फॉर्म में हम सॉरी जो आपका करंट होता है, इसमें जो आपका करंट है that is equal to rate of change of charge per unit time. तो अगर हमने इसी relation को use करके Q के लिए use करना है तो हम integrate करेंगे, तो Q will be equal to this is, अगर मैं यहाँ पे एक sign डालती हूँ sign of integration के लिए, ठीक है, ये integrate होगा I dt और इनकी बाहर जो है वो रिलेशन में क्या आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू
बल्कि मैं इसके नीचे ही अगर लिख देती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू सी। थोड़ा सा इसको ऊपर करके एक स्पेस पे आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, ये Q इज इक्वल टू आई ऑफ डी टी। तो आपका ये जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू, अब ये जो आपका दैट इज नॉट इक्वल टू Q, क्योंकि अब ये Q के इक्वल नहीं होगा, बल्कि हम इसको लिखेंगे ये Q के इक्वल नहीं है, इट विल बी इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू, तो वी सी के इक्वल है आई डी टी ओवर सी की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो आपका Q है, द चार्ज डी क्यू हम कंसीडर करते हैं, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू आई द करंट। इस करंट को निकालने के लिए यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं करके हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की ये वाला शिफ्ट करके इधर ले गए, तो ये वाला आपका कन्वर्ट होके क्या होगा, ये डी कैंसिल होकर क्यू विल बी इक्वल टू आई ओवर डी, इसकी तरफ ही आपकी फॉर्म बन जाएगी। तो इसी तरह हमने वोल्टेजेस, डिफरेंट वोल्टेजेस को यहाँ पे शो करवा दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन द रिलेशन। अब इसमें हमने कंसीडर क्या करना है, फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट द बेसिक फिनोमेना हमें समझ आ गया कि इसमें हर ईच एलिमेंट का क्या रोल होता है और ईच एलिमेंट के लिहाज से क्या उसके, फॉर द साइनोसाइडल फॉर करंट इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट द रिलेशन इज, जैसे हमने पहले रिलेशन लिखा फॉर द ईएमएफ, दिस इज द रिलेशन फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में ओमेगा टी माइनस थीटा की फॉर्म है, ओमेगा इज अगेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हाइल थीटा इज द फेज कांस्टेंट और द फेज एंगल, यानी फेज का रिलेशन है। ये रिलेशन फेज का बताता है बिटवीन द ईएमएफ इंड्यूस एंड द करंट इंड्यूस, इन दोनों के दरमियान का जो फेज का चेंज है, दिस रिलेशन इज डिटरमिंड बाय दैट फाई साइन। और इस रिलेशन में हम कंसिडर करते हैं, नोट दैट वी राइट द फेज कॉन्स्टेंट इन इक्वेशन विद अ माइनस साइन, दिस चॉइस इज कस्टमरी इन डिस्कसिंग द फेज रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ। अब ये हमने खुद से कंसिडर किया कि इसमें से ये माइनस हो रहा है, अब ये आप कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी जो आपका फेज था ओमेगा टी, इसके अंदर चेंज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल एंड जो करंट जो चेंज हो रहा है उसमें से आपने टोटल में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपको पास टोटल जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू द थीटा, और ये ओमेगा टी माइनस फाइ विल बी इक्वल टू द थीटा, और ये थीटा जो है वैल्यू, थीटा डिनोट्स द फेज चेंज इन फेज, चेंज इन फेज बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें करंट और वोल्टेज को शो करवाया है, अगर दिस इज अ केस फॉर द रेजिस्टर कि जिस तरह से करंट मूव कर रहा है वोल्टेज भी उसी तरह से आ रही है, लेकिन अब ये देखें कि दोनों हर पॉइंट पे इसका फेज में एंगल में चेंज नहीं है। अगर आई जो है ऑल्टरनेटिंग करंट आई इज ऑन 180 डिग्री देन वोल्टेज इज ऑल्सो ऑन 180, व्हेन इट वॉज ऑन जीरो देन बोथ द एलिमेंट्स current and the EMF both were on 0 degree. इसी तरह 220 ये 2 pi that is 360 degree for the whole cycle you can see that at each every point
the phase remains the same. And this is the case for the resistor. कि जब आपने resistor के case में consider किया हुआ है, तब ये आपकी consider किया जाएगा. So you can see that for the resistor, it both the remains the same. और जबकि आप देखें for the inductor, इसमें इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को. और इसी तरह केस देखें फॉर द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है द वोल्टेज, जबकि इंडक्टर के केस में करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट.